दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? तुम सच में कुछ नहीं जानते। क्यों नहीं है बेटे को अपने पापा से प्यार? क्या बेटा भी हो जाएगा अपने पापा से दूर? तो मेरे प्यारे दर्शकों, पॉलीग्राफ स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, आज हम आपको बलवान सिंह से जुड़े काफी इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं। एक बाप के लिए ना उसके बेटे की खुशी उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि एक बेटे के पिता को तो यही लगता है कि भले उसका बेटा शायद उसको किसी कारण से आज नहीं समझ पा रहा हो, लेकिन उसको ये भरोसा जरूर होता है कि कभी ना कभी तो जिंदगी में वो अपने पापा को जरूर समझेगा। लेकिन क्या उस बाप की इस उम्मीद पर उसका बेटा कभी खरा उतर पाता है या फिर नहीं? क्योंकि बेटे की नज़र में तो उसके पापा के संघर्षों की वैसे भी कोई वैल्यू मेकर्स ने इस फिल्म में नहीं दिखाई है, क्योंकि सोर्सेज की मदद से हमने इस फिल्म की पूरी कहानी का अंदाज़ा लगा लिया है, जो कि शुरू होती है एक ऐसे पॉइंट से जहाँ से एक बाप को उसके बेटे के साथ रहने की परमिशन कोर्ट से मिल जाती है। और तभी से शुरू होता है हमारी मेन कहानी का प्लॉट, जहाँ ये दिखाया जाता है कि कैसे वो बेटा बचपन से ही अपने बाप से दूर रहने की कोशिश में लगा रहता है, जिसके कारण से वो काफ़ी प्रॉब्लम्स में हमेशा फंसता रहता है और कई सारे प्रॉब्लम्स उन्हें घेरे रहते हैं, लेकिन हर बार उसके पापा को गिरने से बचा ही लेते हैं, जिनके प्यार की वजह से लोगों को लगता है कि वो लड़का अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही कुछ बन पाएगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बेटे की, तो वो गलत रास्ते में इसलिए गया होता है ताकि वो अपने पापा से दूर जा सके, लेकिन वो कुछ भी करता था उसके पापा उसको एंड में माफ़ कर देते थे। एक रोज़ बेटे की इन्हीं प्रॉब्लम को लेकर उसके पापा उसको ये समझाते हैं कि अगर वो इन मुश्किलों को सिर्फ और सिर्फ उनसे दूर होने की वजह से बुलाता है तो वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से उनका बेटा किसी गलत रास्ते पर जाए या फिर बिगड़ जाए, तभी वो अपने बेटे को खुद से दूर जाने के लिए दे देते हैं। ये सब सुनकर बेटे के मन में आता है कि चलो उसको अब छुटकारा तो मिला अपने बाप के इन ड्रामों से। बेटे को अभी तक ये नहीं पता होता है कि उसके बाप सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करते हैं और उसी के प्यार के भरोसे जी रहे हैं, और वो प्यार भी अब गवा कर बैठ गए हैं। अब आगे की कहानी में हमें ये पता चलेगा कि आखिर क्या होगा उस बेटे के अपने पापा से दूर जाने वाले फैसले का नतीजा, और क्या होगा उसके इस फैसले का सच, क्योंकि हर इंसान के हर फैसले के पीछे ना एक सच जरूर छिपा होता है जो सिर्फ उसे पता होता है। इसलिए पूरी तरह से कहानी को जाने बिना हम ये जज नहीं कर सकते कि कौन सही है और कौन गलत है। किसी को गलत बोलने का हमें हक नहीं होता। क्या होगा जब पिता को मालूम चलेगा बेटे का दर्द? क्या हो चुकी होगी तब तक देरी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।